तो फ्रेंड पिछले कुछ दिनों से जो मेरे सब्सक्राइबर हैं वो मुझे कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आप ड्रोन मोटर के ऊपर फुल डिटेल से एक वीडियो बनाएं तो अभी तक क्या था कि मुझे यहाँ की लोकल मार्केट में ड्रोन मोटर चलाने का पूरा सामान नहीं मिल पा रहा था जिस वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाई लेकिन फाइनली अब जाके मुझे ड्रोन मोटर का पूरा सामान मिल गया है मार्केट में तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको इसी ड्रोन मोटर के बारे में फुल डिटेल से बताऊंगा कि भाई इस ड्रोन मोटर को चलाने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है कैसे इसके कनेक्शन करने होते हैं कैसे इसकी स्पीड है सब कुछ मैं आज की वीडियो के अंदर आपको फुल डिटेल से स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा तो चलिए फ्रेंड ज्यादा समय ना गवाते हुए वीडियो कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं तो देखिए फ्रेंड ये जो हमारी ड्रोन मोटर होती है इसको बी मोटर भी बोला जाता है अब ये जो मोटर होती है ये अलग अलग स्पीड के अंदर होती है जैसे कि मेरे पास ये जो मोटर है बाईस सौ के वी वाली मोटर है इसके अंदर हजार केवी की भी मिलती है 1500 सो भी केवी की मिलती है तो जितने ज्यादा केवी की के आप मोटर लोगे उतनी ज्यादा आपको मोटर के अंदर स्पीड मिलेगी तो यहाँ पे ये जो मोटर है ये बाईस सो केवी की मोटर है अब इसके अंदर ये नहीं है कि भाई आप मार्केट गए और आप मार्केट से खाली ये मोटर खरीद के ले आए और आप इस मोटर को यूज कर लोगे क्योंकि भाई ये जो मोटर होती है ये हमारी नॉर्मल मोटर की तरह नहीं है कि खाली आप मोटर लाए और उसके अंदर आपने प्लस माइनस की वायर जोड़ी और वो मोटर हमारी काम करने लगी तो इस मोटर को चलाने के लिए कुछ और चीजों की जरूरत पड़ती है तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें 30 एम्पेयर की ईएससी की जरूरत पड़ेगी जो कि आपको मार्केट से अलग से खरीदना पड़ेगा इसके बिना ये मोटर हमारी काम नहीं करेगी और उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको एक सर्वो टेस्टर की भी जरूरत पड़ेगी ये जो टेस्टर है ये क्या काम करता है ये मोटर की स्पीड को कम ज्यादा करने के काम में आता है तो यहाँ पे आपको दो चीजों की जरूरत पड़ेगी और इन दोनों चीजों को आपको मार्केट से अलग से खरीदना पड़ेगा ये मोटर के साथ में नहीं मिलती मोटर के साथ में आपको क्या क्या मिलेगा ये देखिए यहाँ पे आपको एक तो इसका बेस मिल जाएगा मोटर के साथ में एक ये जो हमारी पंखड़ी फंसाने के लिए है ये इसके साथ में मिलेगी और इसके साथ में चार पेच आपको मिलेगा बस इतना सेट आपको मोटर के साथ में मिलेगा बाकी सारी चीजें आपको अलग से ही खरीदनी पड़ेगी तो यहां पे ये सारा कुछ मैंने बता दिया और उसके बाद ये जो इसकी पंखड़ी है ये भी आपको अलग से ही खरीदनी पड़ेगी तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई इस मोटर को चलाने के लिए हमें और कौन कौन सी चीज़ों की जरूरत होती है तो चलिए अब हम इसके कनेक्शन भी सीख लेते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है ये जो हमारी बी मोटर होती है इसके अंदर क्या होता है कि ये ऊपर वाला हिस्सा पूरा घूमता है ठीक है तो ये वाला हिस्सा पूरा घूमता है तो हम इस मोटर को इस तरीके से नहीं पकड़ सकते तो इसके लिए यहाँ पे इस मोटर के अंदर बेस वाला सिस्टम दिया होता है ये मोटर के साथ में ही आता है तो यहाँ पे हमें सबसे पहले इस बेस को लगाना पड़ेगा इस तरीके से देखिए ये जो हमारा बेस है इस तरीके से लग जाएगा और इसके साथ में जो हमारे पेच है इसको हमें टाइट करना पड़ेगा तो मैं क्या करता हूँ फटाफट इस बेस को टाइट कर लेता हूँ तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने इसके चारों पेज को बिल्कुल बढ़िया तरीके से टाइट कर लिया है तो ये जो हमारा बेस है इस मोटर के अंदर लग चुका है अब ये मोटर हमारी इस तरीके से यहाँ पे खड़ी हो सकती है तो यहाँ पे अब उसके बाद हमें क्या करना है इसके कनेक्शन करने हैं तो इसके कनेक्शन करना बिल्कुल आसान है ये देखिए ये जो हमारा ई है इसके अंदर तीन वायर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी और ये जो हमारी मोटर है इसके अंदर भी आपको तीन वायर दिखाई दे रही होगी तो इसके अंदर ये जो पीली वाली बीच वाली वायर है और इसके अंदर जो बीच वाली वायर है इसको सबसे पहले आपको कनेक्ट करना है ये देखिए जो बीचो बीच वाली, वाली वायर है इनको हमें सबसे पहले इस तरीके से कनेक्ट करना है यहाँ पे देखिए मैं फोकस करके आपको दिखा दूर ये देखिए इस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे ये हमारी एक वायर लग गई अब उसके बाद ये जो साइड वाली वायर है इसको आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हो अगर आप उल्टी वायर लगा दोगे तो ये मोटर उल्टी घूमेगी अगर आप सीधी लगाओगे तो सीधी घूमेगी बस फर्क इतना है तो यहाँ पे आप कोई सी भी वायर किसी साइड में लगा सकते हो तो इस तरीके से देखिए इसको लगाना बिल्कुल आसान है यहाँ पे सोल्डरिंग वगैरह करने का झमेला नहीं है तो इस तरीके से यहाँ पे इस वायर को मैंने लगा दिया और इसको हम यहाँ पे लगा देते हैं तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे तो हमने मोटर के कनेक्शन कर लिए हैं जो कि बिल्कुल आसान है कनेक्शन करना अब उसके बाद देखिए पे आपको कुछ वायर देखने को मिलेगी तो यहाँ पे देखिए ये जो आपको रेड और ब्लैक कलर वाली वायर दिखाई दे रही है ये हमारी बैटरी की वायर है और यहाँ पे देखिए कुछ लंबी वायर आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है जिसके अंदर हमारी टोटल तीन वायर है ये जो वायर है ये हमारी लगेगी सर्वो टेस्टर के अंदर अब इसके अंदर आप देख लो ये जो हमारा सर्वो टेस्टर है इसके अंदर आपको काफी सारे पिन दिखाई देगी यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे पिन है ठीक है और इसके बाद यहाँ पे भी काफी सारे पिन है तो आपको देखिए इसको कहाँ पे लगाना है क्योंकि इसके अंदर एक ही जगह पे ये लगेगा तो यहाँ पे ये जो बीच वाली हमारी पिन है इसके अंदर आपको लगाना है और इस तरीके से लगाना है ये पीली वायरली वायर हमारी इस तरीके से होनी चाहिए जैसे कि हमारी आगे की तरफ एलईडी है तो इस तरीके से पीली वाली वायर हमारी उस साइड होनी चाहिए ब्लैक वाल ब्राउन वाली हमारी साइड होनी चाहिए तो इस तरीके से देखिए हमें इसको लगा देना है ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको लगा दिया तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने इसको लगाया है तो यहाँ पे इसके कनेक्शन हमारे पूरे हो चुके हैं अब इसके अंदर सिर्फ हमें बैटरी की वायर को जोड़ना है तो जो ड्रोन मोटर के साथ में बैटरी यूज होती है वो हमारी बिल्कुल छोटी सी और हल्की बैटरी होती है तो वो बैटरी मेरे पास यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे मैं 12 वोल्टेज की बैटरी यूज कर रहा हूं और आप इस मोटर के साथ में कोई भी 12 वोल्टेज की बैटरी यूज कर सकते हो तो यहाँ पे देखिए ये हमारी बैटरी की माइनस वाली वायर है तो इसको मैं माइनस के साथ में जोड़ रहा हूँ और ये प्लस वाली वायर है तो इसको मैं प्लस के साथ में जोड़ रहा हूं तो इस तरीके से जोड़ने के बाद आप देख सकते हो कि सर वो टेस्टर के अंदर हमारी एलईडी जलने लगी है और मोटर के अंदर से आपको बीप भी सुनाई दे रही होगी तो यहाँ पे देखिए अब हमें इस मोटर को यूज करना है तो इसको मैं थोड़ा सा सीधा कर लूँ ताकि ये खड़ा हो जाए इस तरीके से तो यहाँ पे ये यह मोटर हमारी इस तरीके से हो गई है अब यहाँ पे क्या है कि इस मोटर से ना हम इसकी स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हैं तो यहाँ पे इसको स्टार्ट करने के लिए आपको धीरे धीरे इसको घुमाना

यहाँ पे देखिए जैसे जैसे आप इस स्पीड को बढ़ाओगे वैसे ये वैसे ये मोटर हमारी बहुत ही तेजी से घूमेगी और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ज्यादा इसकी स्पीड है क्योंकि ये जो हमारी मोटर है ये बाईस सौ तो केवी की मोटर है तो यहाँ पे इसकी मदद से आप क्या कर सकते हो इस मोटर की स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए इसकी स्पीड कम ज्यादा हमारी इसी सर्वो टेस्टर से होती है तो यहाँ पे फ्रेंड हमने इस मोटर की स्पीड को तो देख लिया है बहुत ही तेजी से ये मोटर हमारी काम करती है अब हम क्या करते हैं इस मोटर के अंदर पंखड़ी को लगा के टेस्ट करते हैं कि पंखड़ी के साथ में इस मोटर की किस तरीके से स्पीड रहेगी तो सबसे पहले यहाँ पे हम इसके कनेक्शन को यहाँ से हटा देते हैं अब यहाँ पे देखिए हमें किस तरीके से करना है कि इसके अंदर जो पंखड़ी आती है कुछ इस तरीके की आपको मार्केट में पंखड़ी मिलेगी अब ये पंखड़ी जो होती है कुछ इस तरीके की होती है अब इसके साथ में क्या है कि आपको इस टाइप का ये प्लास्टिक सा मिलेगा और इसके अंदर आपको काफी छोटे छोटे इस टाइप के ये वार्सल टाइप में मिलेंगे तो ये किस तरीके से इस पंखड़ी के अंदर यूज होंगे तो इसका तरीका आप देख लो पंखड़ी को किस तरीके से लगाया जाता है तो यहाँ पे ये जो मोटर के साथ में इसको टाइट करने वाला सिस्टम होता है ये हमें मिलता है तो इसके अंदर हमें क्या करना है इस तरीके से इसको निकाल लेना है देख तरीके से मैंने यहाँ पे इसके पेज को निकाल लिया है अब इसी पेज के साइज का आपको वार्सल निकालना है इसके अंदर से ये इसीलिए दिया होता है तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से अगर हम इसके अंदर डालते हैं तो ये इसके अंदर नहीं घुस रहा ये बिल्कुल छोटा है ये भी बिल्कुल छोटा है और यहाँ पे देखिए ये वाला जो वार्सल है ये इसके अंदर बिल्कुल फिक्स आ रहा है तो हम इस वार्सल का यूज करेंगे और ये वाले जो वार्सल है ये इसके अंदर ढीले है आप देख सकते हो ये काफी ढीले हैं तो यहाँ पे ये वार्सल इसके साथ में आ रहा है तो इसी चीज को आपको इस तरीके से नाप लेना है तो ये इसके साथ में आ रहा है तो हम क्या करेंगे इस तरीके से देखिए इसको कट करेंगे कटर की मदद से ये हमने इसको इस तरीके से कट कर लेना है ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको यहां से कट किया और इसको हम इस तरीके से निकाल लेंगे इसको साइड से बिल्कुल आपको ऐसे साफ कर लेना है ये देखिए इस तरीके से हमें इसको साफ करना है ये हमने कर लिया अब इस वार्सल को देखिए इस पंखड़ी के अंदर लगाना है वो आप देख लो इसके अंदर देखिए पंखड़ी के अंदर ऐसे होल है तो इसके अंदर आपको बीचों बीच इसको रखना है और इस तरीके से प्रेस करना है तो ये वार्सल इसके अंदर फिट हो चुका है अब उसके बाद देखिए हमें किस तरीके से लगाना है पंखड़ी को तो ये वाली जो चीज है इसको हम इस तरीके से मोटर के अंदर ऐसे पहले फंसा लेंगे और आपको थोड़ा सा जोर लगा के इसको अच्छे से फिक्स कर लेना है पे चीज हमारी इस तरीके से लग चुकी है है अब उसके बाद देखिए जो इसको हमें इस तरीके से लेना है और इस तरीके से इसके अंदर लगा देना है तो यहाँ पे ये लग गया अब उसके बाद ये जो हमारी पंखड़ी है इसको हमें लेना है इस तरीके से देखिए हमने पंखड़ी को लिया कि हमने ले लिया और उसके बाद इसको अब हम यहाँ से टाइट कर देंगे ये देखिए इस तरीके से हमें टाइट कर देना है तो इस तरीके से ड्रोन वाली मोटर के अंदर ये हमारी पंखड़ी लगती है और इसको आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से टाइट कर लेना है तो यहाँ पे मैंने पंखड़ी को इसके अंदर लगा लिया है और इसी तरीके से आपको इस टाइप की पंखड़ी को यूज करना है अब यहाँ पे देखिए इस मोटर को हम ऐसे चलाएंगे तो भाई ये मोटर हमारे उछल के कहीं पे भी लग सकती है तो इसके लिए देखिए मेरे पास ये प्लाई है ये देखिए मेरे पास ये प्लाई है इसके अंदर देखिए ये जो बेस है इसका तो यहाँ पे चार पेज का सिस्टम दे रखा है इसको टाइट करने के लिए तो मैं चार पेज से इसको पहले टाइट कर लेता हूं और उसके बाद हम इसको फिर चला के देखेंगे नहीं तो अगर हम इस तरीके से यूज करेंगे तो ये हमारे हाथ में या कहीं पे भी लग सकती है इसकी पंखड़ी तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है तो यहाँ पे हम पहले पेज को इसको टाइट कर लेते हैं ये देखिए फ्रेंड यहाँ पे मैंने पेज की मदद से इस प्लाई बोर्ड के अंदर इस मोटर को फिक्स कर लिया है अब ये मोटर हमारी फिक्स हो चुकी है तो यहाँ पे इसके जो कनेक्शन वगैरह है मैंने पहले से कर लिए ताकि मैं ज्यादा टाइम ना खराब करूँ तो यहाँ पे चलिए अभी इसकी हम स्पीड को टेस्ट कर लेते हैं तो यहाँ पे हम इसकी स्पीड को अब धीरे धीरे यहाँ से इसको बढ़ाएंगे तो इस तरीके से देखिए मैं इसको हल्का हल्का घुमा रहा हूँ और इस तरीके से देखिए जैसे मैंने इसको हल्का सा घुमाया तो ये जो मोटर है हमारी चल पड़ी है और बहुत ही तेजी से मोटर घूम रही है तो इस बैटरी को मैं थोड़ा सा साइड में कर दू और यहाँ पे देखिए मैं इसकी स्पीड को हल्का हल्का बढ़ा रहा हूँ तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा शोर आ रहा है इसके अंदर और इस तरीके से यहाँ पे ये यह बहुत ही तेजी से घूम रही है तो इससे ज्यादा मैं स्पीड इसकी नहीं बढ़ाऊंगा एक बार मैं क्या करता हूँ इसको यहां से पकड़ लेता हूं एक बार इसको मैं देख लू कहीं मेरे हाथ में ना लग जाए तो इस तरीके से इसको मैं पकड़ लेता हूं क्योंकि मेरे को डर लग रहा है कि अगर मैंने इसको फुल स्पीड में कर दिया तो ये पलट ना जाए ऐसे और अगर ये पलट गया तो जरूर कहीं ना कहीं मेरे को चोट लग जाएगी तो इसलिए मैं इसको इस तरीके से पकड़ लेता हूं जोर से और यहां से अब मैं इसकी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ तो इस तरीके से देखिए मैंने इसकी स्पीड को धीरे धीरे बढ़ा रहा हूँ तो आप देख सकते हो कितनी ज्यादा इसकी स्पीड है यहाँ पे आप खुद देख सकते हो बहुत ही इस तरीके से फ्रेंड आप देख सकते हो कि इसकी जो मोटर की स्पीड है कितनी ज्यादा है ऐसा लग रहा है कि कोई चल रही हो, बहुत ही फैन वगैरह बनाने के लिए यूज कर सकते हो लेकिन इसके लिए आपको इतना सारा सामान की जरूरत पड़ेगी तो यार वास्तव में ये जो मोटर है ना बहुत ही कमाल की है और आने वाली वीडियो के अंदर ना इस मोटर के साथ में और एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे तो यहाँ पे मैंने सब कुछ आपको इसकी स्पीड वगैरह सबको टेस्ट करा के दिखा दिया है तो उम्मीद करता हूँ कि भाई आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम